आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर एमसीडी की स्थायी समिति की आखिरी सीट को लेकर लगातार जो प्रयासों का दौर जारी था, आखिरकार उस पर विराम लग गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बाजी मार ली है। बड़ी खबर आपको देते हैं, दिल्ली एमसीडी की स्थायी समिति की आखिरी सीट को लेकर आज दिन भर चले घमासान के बाद बीजेपी ने बाजी मारी है। चुनाव जीत कर स्थायी समिति का सदस्य बने हैं बीजेपी के पार्षद सुंदर सिंह। कांग्रेस और आप ने किया था चुनाव का बहिष्कार। जीत के साथ ही बीजेपी के पास अब पैनल में 10 सदस्य हो गए, जबकि सत्ताधारी आपके पास केवल 8 सदस्य ही हैं। ये सीट उस समय खाली हुई थी जब बीजेपी पार्षद कमलजीत सहरावत इस साल हुए लोकसभा चुनावों में पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुन ली गई थी। ये पहली बार था जब चुनाव आप और कांग्रेस पार्षदों की उपस्थिति के बिना हुआ है। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, इस रिजल्ट के मतलब मायने क्या निकाले जाए? देखिए चित्रा, सबसे पहले इसका मायना यही माना जाएगा कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच में कामकाज को लेकर के जा रहे हैं, उसी तरीके से अब स्टैंडिंग कमेटी का जो मेंबर होगा, अध्यक्ष होगा, वो बीजेपी का होगा और दिल्ली में फाइनेंशियल से सेक्टर से जितने भी जुड़े मुद्दे हैं वो सारे के सारे अब बीजेपी के हाथ में होंगे और बीजेपी कई सारे एमसीडी से जुड़े कामकाज को आगे लेकर के जनता के बीच में जा सकेगी। दरअसल 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था कि पिछले एक लंबे वक्त से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो है वो रुका हुआ है। 2022 के अंदर चुनाव हुए थे, उसके बाद से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के जो एमसीडी के कमिश्नर हैं उन्होंने ये चुनाव जो है वो कंडक्ट कराया था कल। लेकिन कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने ही इसका बहिष्कार किया। कांग्रेस के पास 9 पार्षद है और आम आदमी पार्टी के पास लगभग 124 पार्षद है, लेकिन इन सब के बीच में 115 पार्षदों की बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर का आखिरी चुनाव था उसमें जीत जो है वो दर्ज करा ली है। हालांकि अब ये पूरा संग्राम हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाता हुआ दिखे, क्योंकि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं वो इसको असंवैधानिक तौर पर बता रहे हैं कि जो चुनाव कराया गया है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इधर शैली ओबराय को लेकर के जो दिल्ली की मेयर है उनको लेकर के भी सियासत जारी है। अब आगे क्या होगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में क्या रुख अख्तियार करती है, इस पर रहेगी हमारी नजर।